क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों का? आई होप आपका संडे सुपर्ब जा रहा हो। बट एनी वे गाइस, क्रिप्टो कभी स्लीप नहीं करता, क्रिप्टो कभी सोता नहीं हो, संडे हो या मंडे हो। आपको पता है क्रिप्टो का मार्केट 24/7 है। यहाँ पे हम लोग सोने की तैयारी कर रही है तो US में वो लोग जागने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग मार्केट का पूरा ये सबसे बड़ा अमेजिंग चीज़ है जो क्रिप्टो में है, जो काफ़ी लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि 24/7 मार्केट है। काफ़ी सारी ऐसी मार्केट्स है जहाँ पे ट्रेडिंग चालू होती है जब हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं। तो एनीवे, वेलकम बैक। एंड ऑफ कोर्स आज हरियाली फिर से आ गई है। एंड अगर आपको पता होगा, मैंने इस हरियाली के बारे में कुछ दिनों पहले बताया था और नेक्स्ट डे हरियाली चली गई थी। और वो वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने बताया था कि ये हरियाली फिर से आएगी और हरियाली काम कैसे करती है। ऑफ कोर्स ये हरियाली आई है और कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में वापस ये फसल कटेगी। ओके, सो आई होप कि आपने सीड डाले थे, आई होप कि आपने बीज डाले थे जब सही टाइम था बीज डालने का, क्योंकि हरियाली आ चुकी है और अगर आपने बीज नहीं डाला होगा तो इसका फायदा हरियाली का नहीं मिलेगा। बट उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगा आज इस मॉडल के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स, ओके परफेक्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जितनी भी सारी चीज़ें बैंक्स कर रहे हैं आज, ठीक है, जितनी भी सारे बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स, बार्कलेज बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो भी ये सारे काम बैंक्स कर रहे हैं, आपको दिखेगा इस वीडियो में, आपको पता चलेगा कि वो सारे काम विदाउट बैंक्स भी पॉसिबल है, बिना बैंक्स के भी पॉसिबल हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा। और वहीं पे क्रिप्टो का असली पावर है, वहीं पे क्रिप्टो का असली, आपको पता है बैंकिंग कितना बड़ा इंडस्ट्री है, बैंक्स, एक एक बैंक्स का कितना शेयर और कितना वैल्यूएशन होता है, और वो सारा वैल्यूएशन क्रिप्टो में आने वाला है। माइंड ब्लोइंग जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो सुपर मेरा मतलब, मैं बोल रहा ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसी है ना इमेजिन नहीं कर सकते, वो होने वाला है। एनीवे, वेलकम बैक। लेट मी नो मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ रही है कि नहीं, मैं चैट में देखता हूँ। विदाउट चैट नथिंग इज पॉसिबल, लेट मी नो। बिल्कुल सही कहा नवाज, क्या हाल है, सुपर्ब, यू आर द बेस्ट चैनल, बोला जी, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग भी बेस्ट हो, आप लोग भी बेस्ट हो, क्योंकि आप लोग इतने अर्ली अडॉप्टर्स हो यार, लाइफ में कभी मेरे को आगे जाके याद रखोगे कि भाई ये सब नॉलेज, ये सब बातें, ये सब सीखे हम लोग करते थे। तो आई एम श्योर मे बी 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, आप जब कभी अमीर हो जाओगे या रिच हो जाओगे तो मुझे डेफिनेटली याद करना, मेरे को भूलने मत जाना। एनीवे, सो लेट्स सी अमेजिंग वर्ल्ड। नासिर खान, अलोमुद्दीन, हाउ यू, संदीप, नॉलेज बैंक, शूटिंग वॉलीबॉल, क्या नाम है भाई, बी डी सेंटर थाउजेंड कमिंग प्रॉबेबली, या स्वरूप, हाउ यू, अशोक, नफीस, शशिकांत, गिरीश, एनी अपडेट ऑन कूल्स वॉलेट, नॉट, आई हैव नॉट चेक दैट गिरीश, बट यू कैन गो फॉर ट्रेजर और यू कैन गो फॉर नैनो लेजर यार, बट कूल, यस, आई मीन कूल वॉलेट मेरे पास आया नहीं है। इनफैक्ट अगर वो लोग मेरे को भेज दें, स्पॉन्सर कर दें तो और क्या बात है, तो मैं उसका डेमो भी दे दूँ। यू आर गुड, यू आर गोल्ड, आई एम गोल्ड, यू आर गोल्ड, विशाल, थैंक यू सो मच, लखविंदर, किशन, ललिता, NS वर्ल्ड, गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार सुपर्ब, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एवरी इवनिंग विदाउट फेल आप लोग, यू नो, एंड आई रियली लाइक दैट, मुझे बहुत मज़ा आता है। आई मीन संडे है, आप संडे को कहीं भी हो सकते थे, पार्टी कर रहे होगे फैमिली के साथ, बट यू नो यू आर हियर, अमेजिंग, आई मीन आपका कमिटमेंट, आपका इंटरेस्ट, आपका डेडिकेशन सुपर, माइंड ब्लोइंग है। एनीवे, लेट्स सी चैट्स, ओके सुपर, ऑफ कोर्स ये कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही रिस्की है। आपको देख रहे हो ये अभी हरियाली आ चुकी है, बट ये हरियाली कभी भी गायब हो सकती है, तो हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी और की ना सुने, रिसर्च करें, इन्फॉर्मेशन लें, बट इन्वेस्टमेंट वही करें जो आप लूज करने के लिए तैयार हो। एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन टेलीग्राम पे स्कैमर्स बहुत हैं, जो भी आपको पर्सनल मैसेज करता है मेरी फोटो लगा के उसकी ले लो आप, ठीक है, बिंदास में बोल रहा हूँ, ले लो, उसके साथ खेलो आप, टाइम पास करो, जो भी करो, मैं नहीं हूँ वो, कोई और है, उसके साथ खेलो आप, ठीक है। एनीवे, सो लेट्स सी क्या हो रहा है मार्केट में। ऑफ कोर्स बिटकॉइन आई थिंक वेरी क्लोज टू 10,000 एंड लेट्स सी, आई मीन कुछ घंटों में या सुबह मॉर्निंग तक 10,000 टच होता है या नहीं, क्योंकि 987 है, अच्छा खासा आज ग्रोथ मिल गया, 2.49% ग्रोथ मिल गया है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव कि मे बी आप वापस 10,000 टच होगा एंड देन प्रॉब्ली विल रिवर्स बैक। आई होप आपको ये वीडियो याद है गाइस, आपको ये वीडियो याद है जहाँ पे मैंने बताया था मार्केट ग्रीन होता है, फिर कुछ लोग प्रॉफिट लेते हैं, फिर मार्केट डंप होता है, फिर लो होता है, फिर यहाँ पे आपका बाइंग टाइम आ जाता है,
फिर आपको वेट करना है, नर्चर टाइम वेट करना है, सींचना है, पानी देना है, और फिर पंप होगा, फिर ग्रीन होगा, तो हम लोग ये स्टेज पे आ गए वापस, हम लोग ग्रीन स्टेज पे। तो ये साइकिल है, ये साइकिल चलते रहता है, ये साइकिल हमेशा क्रिप्टो मार्केट में चलते रहता है। आई होप आपने ये वीडियो देखा हो, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, सुपर्ब है ये ओवरव्यू। तो यस, हरियाली पूरी छाई हुई है यहाँ पे, एंड इनफैक्ट ऑल कॉइन्स भी बहुत सारे पंप्स हो रहे हैं, आप देख सकते हो EOS 5% पंप हुआ है, एक्चुअली ज़्यादा पंप्स नहीं हुआ है ऑल्ट कॉइन, आई थिंक अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, सो ओके भी 10%, एक्सचेंज टोकन्स बहुत सारे पंप हुए, लिस्क लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं कौन सा ज़्यादा पंप हुआ है, 19% एयॉन, मैं बुद्ध दिन के बाद देख रहा हूँ एयॉन 19%, बट नॉट वेरी बिग पंप इन ऑल्ट कॉइन विच इज़ वियर्ड। ओके सो एनी वे, आई होप कि आपको वो याद है, वो मॉडल याद है, ग्रीन रेड प्लांटिंग सीड एंड ऑल दैट। ओके सो लेट मी सी एक बार चैट में फिर हम लोग ये, इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से मनी अब प्रोग्रामेबल हो रहा है। अभी तक जो मनी आपके पास था वो फिएट मनी था या कॉइन था, वो प्रोग्रामेबल नहीं था, वो कोई और प्रोड्यूस करता था और सर्कुलेट करता। ओ आवाज़ बहुत ज़्यादा है, एक मिनट में उसको शेयर कर देता गाइस, एक मिनट में उसको शेयर कर देता हूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट। ओके एंड कीप अ क्लोज आई ऑन इथेरियम, आई मीन 270 है, एंड आई थिंक इस बार जो ग्रीन आएगा हो सकता है उसमें 300 टच करे, लेट्स सी। मेरे को ये शेयर करना है एक बार टेलीग्राम में, BNB के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा BNB के बारे में सुपर ख्याल है, आई लव BNB, जो हिसाब से इनकी ग्रोथ हुई है BNB की और जो हिसाब से लोग ग्रोथ प्लानिंग कर रहे हैं ना, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सोचो ना, बेयर मार्केट में एक अकेला इकलौता ऑल्ट कॉइन जिसने परफॉर्म किया वो BNB है। भाई XRP का क्या फ्यूचर है यार, और रिपल वालों को पूछना पड़ेगा क्योंकि रिपल वाले डंप करते रहते हैं बार बार। तो आई मीन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली XRP पंप हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत डाउट होता है। या आई थिंक संजय, आज फर्स्ट टाइम लाइव हूँ आपके साथ, क्या बात है संजय जी, वेलकम 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 वेलकम। और अच्छा एनीवे गाइस, विदाउट एनी लेट्स आई मीन चैट तो मैं बाद में आऊँगा ही, आप चैट करते रहो, मैं आऊँगा चैट में, बट रियली मेरे को ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको मेरे को बड़ा पिक्चर दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि हो सकता है फ्यूचर में कुछ सालों में या कुछ डिकेट्स में आपके जितने भी बैंक्स हैं उनका सारा काम क्रिप्टो में होने लगे। ओके एंड बेसिकली इसको बोलते हैं DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो मैं यहाँ पे आपको ये पिक्चर में दिखाना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल किसी भी इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए आपको लेंडिंग, बोरोविंग, लोन्स, इंटरेस्ट, ओके जिसके पास पैसे रहते हैं इंटरेस्ट वो लोग कमाना चाहते हैं, और फिर क्या सोसाइटी में इकोनॉमी में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको बोरो करना होता है, उनके पास आइडियाज़ होता है, कुछ बनाना होता है, तो ये सोसाइटी का नियम है। ऐसा नहीं कि हर एक कोई भी सोसाइटी में हर एक कोई भी ऐसा इकोनॉमी का जहाँ पे सबके सब रिच है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं, कुछ लोगों के पास कम पैसा होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा, तो ये सिस्टम में रहता ही है, और यहीं पे फाइनेंशियल सिस्टम बहुत बड़ा काम आता है। अगर आप ये देखोगे आप तो ये वीज़ा, ये जो बैंक्स हैं राइट, चेज बैंक, सिटी बैंक, JP Morgan बैंक, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली इंटरमीडियरीज हैं, ये इन शॉर्ट एक कंपनीज हैं। ओके हर एक बैंक आप एक कंपनी समझ लो, क्योंकि वो कंपनीज हैं, उनका शेयर बिकता है, और ये लोग करते क्या है बेसिकली, ये ही फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसको लोन देना है, किसको पैसे सेफ रखना है, किसके पेमेंट करवाना है, तो ये लोग इंटरमीडियरीज हैं, ये लोग मिडिल मैन हैं। और ये आप देखोगे इस वीडियो में यहाँ पे कि कैसे ये मिडिल मैन जो जितने हैं इनको क्रिप्टो निकाल देता है, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मनी आप प्रोग्राम कर रहे हो। ओके तो यहाँ पे, और ये सब पॉसिबल क्यों हुआ, ये सब पॉसिबल हुआ इथेरियम की वजह से। तो रैन जो आई थिंक इथेरियम के ऊपर काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया है और काफ़ी ये लोग ये बिल्ड करते रहते हैं, तो इन्होंने इथेरियम के ऊपर इन्होंने ट्वीट किया कि इथेरियम वेंट टू 1K ऑन अ सेट ऑफ ICOs एंड फ्यूचर प्रॉमिस। नाउ मैं बताऊंगा कि मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ इथेरियम, और क्योंकि अभी जो प्रोग्रामेबल मनी है वो पॉसिबल है इथेरियम पे, दूसरे भी प्रोटोकॉल्स हैं जिसपे पॉसिबल है, बट द थिंग इज कि कोई उससे उतना ज़्यादा बिल्ड नहीं कर रहा है, और ना तो उनका कोई उतना ज़्यादा नाम आ गया है प्रोग्रामेबल मनी में। अगर प्रोग्रामेबल मनी में किसी का नाम है फिलहाल तो वो इथेरियम है। इथेरियम एक ऐसा ब्लॉकचेन है, इथेरियम एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसपे आप प्रोग्रामेबल मनी बना सकते हो, जो एक्चुअली बिटकॉइन पे भी कहीं हद तक बिटकॉइन पे भी वो पॉसिबल नहीं था जो इथेरियम पे पॉसिबल है।
ओके तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि कैसे इथेरियम 1K गया था ICOs के टाइम पे और अब वापस 1K जाने के चांसेस हैं, और जिससे मैंने बताया कि मेरा जो टारगेट है इथेरियम का $500 है, जो मुझे लगता है बहुत कम है इस साल के लिए, मिनिमम 1000 होना चाहिए, बट मैंने 500 का ही रखा है, बट ऑफकोर्स आई वोंट बी सरप्राइज अगर 1000 भी जाता है तो. यू नो हैविंग सेड दैट कि जो भी डीफा के जो एप्लीकेशंस बन रहे हैं वो सही चलें, क्योंकि यू नो एट द सेम टाइम जब मैं आपको इतना पॉजिटिव बोल रहा हूँ कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, बट आपको ये भी समझना जरूरी है कि डीफा अभी भी बहुत अर्ली है, अभी बहुत जल्दी है, तो रिस्क भी बहुत उतना ही है. बहुत सारी चीज़ें टेस्ट ट्रायल करना बाकी है, ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ें बन गई तो वो 100% सक्सेस होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. बहुत सारी चीज़ें लाइफ में फेल होती हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस भी यहाँ पे फेल हो सकती हैं. अभी आपने रिसेंटली देखा एक हैक BZX पे कैसे एक हैक हो गया था $350 million का. तो ये रिस्की है, अभी भी रिस्की है, अभी भी नेसेंट स्टेज पे है, अभी भी एकदम नए स्टेज पे है, बट ये पॉसिबिलिटी है. ओके सो इन्होंने, मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा, आई मीन ये पिक्चर काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है. सो फॉर एग्जाम्पल अभी आप किसी को ब्लॉकचेन समझाने जाते हो तो किसी को ब्लॉकचेन समझ में नहीं आता, ठीक है, किसी को क्रिप्टो भी समझ में नहीं आता, कितना डिफिकल्ट है. आपको क्या लगता है, सबको इंटरनेट समझ में आता है? किसी को भी इंटरनेट समझ में नहीं आता. अभी इंटरनेट की विकिपीडिया देख लो आप. ओके इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट, विकिपीडिया में पढ़ते हैं, ठीक है. सो इंटरनेट का डेफिनेशन देखो क्या है. ओके द इंटरनेट इज अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड. इट इंक्लूड्स सेवरल हाई बैंडविड्थ डेटा लाइन्स दैट कंप्राइज द इंटरनेट बैकबोन. दीज लाइन्स आर कनेक्टेड टू मेजर. कुछ नहीं समझा इसमें, किसी को कुछ नहीं समझेगा भाई क्या लिखा है ये, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं पता. बट अगर किसी को बोल दो इंटरनेट मतलब फेसबुक, इंटरनेट मतलब इंस्टाग्राम, इंटरनेट मतलब गूगल, इंटरनेट मतलब यूट्यूब, यस मुझे पता है इंटरनेट क्या है. तो लोगों को पता है कि इंटरनेट, सो लोग इंटरनेट कैसे पहचानते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल ऐसे पहचानते हैं, बट ये डेफिनेशन किसी को पल्ले नहीं पड़ती, राइट. एंड सेम चीज आज डीफा के साथ है, सेम चीज आज ब्लॉकचेन के साथ है. किसी को बताओ कि ब्लॉकचेन क्या है तो नहीं समझ में आता, बट जब वो ब्लॉकचेन पे एप्लीकेशंस बनेंगे, जैसे कि बनना चालू हो चुकी हैं डीफा पे, बिटकॉइन है, ईथर है, जो लेंडिंग और बोरोइंग प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं, जब इतना ये सब यूज करना अभी आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है. मैंने एक दिन मैंने एक ऐप है अर्जेंट ऐप, ARGENT अर्जेंट ऐप, हालांकि मैंने डाउनलोड किया और आसान से हो गया अर्जेंट ऐप. सो अर्जेंट ऐप बेसिकली एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप लेंडिंग बोरोइंग कर सकते हो. आपके पास ईथ है तो आप उसको डाई में कन्वर्ट करके आप इंटरेस्ट कमा सकते हो. ओके सो बट वो भी डिफिकल्ट है, उसको आप सिक्योर कैसे करोगे, उसमें उसका गार्जियंस कैसे ऐड करना है, उसके सीड वर्ड्स नहीं है, तो उतना ईजी नहीं है ये सारी चीज़ें. तो जब तक ये सारी चीज़ें इजी नहीं होंगी, जब तक लोगों को ब्लॉकचेन और डीफाई का मतलब नहीं समझेगा. तुमको मालूम है इंटरनेट यहाँ तक आने के लिए 10 से 15 साल लग गए. ओके सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कैसे इंटरनेट कैसे बना है, इथरनेट और फिर इथरनेट ड्राइवर IP, ओके फिर TCP, उसके बाद HTTP है एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे सब एप्लीकेशन बनाया है, उसके बाद ब्राउजर्स है इंटरफेस लेयर, तो कोई क्रोम में ब्राउज करता है, कोई सफारी में करता है, कोई किस में करता है. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे ये सब चीज़ें इथेरियम पे पॉसिबल है. तो इन्होंने यहाँ पे डायग्राम में बताया, लेट्स सी. ओके ये देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि लेयर जीरो, ऑफकोर्स ऑन द इंटरनेट लेयर जीरो यहाँ पे इथेरियम है. इथेरियम के ऊपर मेकर डाओ बन रहा है. मेकर डाओ कौन सा, ये वाला मेकर. ओके आपको पता है कि एक अकेला जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल क्वाइन है वो डाई है, जो मेकर पे बना हुआ है. आपको पता है ना डाई, राइट, ये वाला डाई. तो यही एक अकेला डिसेंट्रलाइज क्वाइन है जो इथेरियम पे बना हुआ है. बाद में टेदर भी है, बट आपको मालूम है टेदर की कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है. प्रॉब्लम यही है, जब आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम से डील कर रहे हो तो आपको बाकी की चीज़ें भी डिसेंट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है. आपको पता है वो हैक कैसे हुआ, 350 मिलियन का हैक, क्योंकि उन्होंने जो उसका जो प्राइस सोर्स था उन्होंने आई थिंक ये यूनिसॉप का रखा था, मतलब जो यूनिसॉप पे प्राइस होगी वो यहाँ पे BZX में रिप्लेक्स करेगी,
और यूनिस्वॉप पे इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया प्राइस को, हैकर ने शॉर्ट कर दिया यूनिस्वॉप पे और तुरंत उसको फायदा मिल गया यहाँ पे इस वाले पे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज डिसेंट्रलाइज है और आपको उससे डील करना है तो बाकी की चीज़ें भी डिसेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। अगर एक ही चीज़ डिसेंट्रलाइज है बट बाकी चीज़ें सेंट्रलाइज हैं तो मैनिपुलेशन कभी भी होगा और खतरा भी बहुत ज़्यादा है। और अभी बिटकॉइन के साथ यही होता है, आपको मालूम है फियट अनलिमिटेड सप्लाई, फियट की सप्लाई अनलिमिटेड है एंड सो इज टेदर, ये जो स्टेबल कॉइन है इसकी भी सप्लाई, ये कंपनी कभी भी 3 महीने में एक बार 300 मिलियन 400 मिलियन लो पंप, ओके। और आप देख रहे हो कि कितना इन्होंने पंप कर चुका है। तो आपको एक ऐसे स्टेबल कॉइन की जरूरत है जो डिसेंट्रलाइज हो। और डाई एक अकेला क्रिप्टो है जो एक्चुअली डिसेंट्रलाइज है और इथेरियम के बैकअप से बना हुआ है, इथेरियम का कोलैटरल है। लेट मी नो गाइस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप देखते रहोगे ये वीडियो, अगर आप देखते रहते हो, अगर आप चैनल देखते आए हो तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको ईजिली समझ में आएगा, अदरवाइज शायद कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आवें, ओके। बट उसमें गलती मेरी है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, बिकॉज आई थिंक इट शुड बी अ सेपरेट टॉपिक, ये अलग टॉपिक होना चाहिए एंड देर शुड बी अ डेडिकेटेड वीडियो। बट आई होप आप समझ पा रहे हो कि जो स्टेबल कॉइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के मार्केट में, क्योंकि उससे ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इससे आप उससे यू नो फंड्स मूव कर सकते हो, उससे पेमेंट कर सकते हो। आई मीन बिटकॉइन इथर से कोई पेमेंट नहीं करेगा और कोई लेगा भी नहीं क्योंकि कितना वॉलेटाइल है, तो आपको स्टेबल कॉइन की जरूरत है। बट स्टेबल कॉइन अगर सेंट्रलाइज है तो इट डज नॉट मेक सेंस, सब इसका जो पर्पज है वही डिफीट हो जाता है, टेदर वही करता है। टेदर की सप्लाई देखो आप, इतनी ज़्यादा सप्लाई है टेदर की और किसी को नहीं पता कि इतना $4 बिलियन इनके पास बैंक अकाउंट में है, इनके पास प्रॉपर्टी है, क्या है किसी को नहीं पता। और द थिंग इज टोटल सप्लाई इनका है ही नहीं, टोटल सप्लाई इन्होंने नाम के लिए लिखा है, ये टोटल सप्लाई कभी भी ये लोग प्रिंट करते रहते हैं और मार्केट में डालते रहते हैं और मैनिपुलेट करते रहते हैं। बट वो पॉसिबिलिटी डाई के साथ नहीं है, वो पॉसिबिलिटी मेकर के साथ नहीं है, ये उतना ही रहेगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे लेयर टू बन रहा है बोरोविंग एंड लेंडिंग का, कंपाउंड पे जाओगे तो आप बोरो लेंड कर सकते हो, नूओ पे जाओगे और फिर ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर्स बन रहा है, राइट। तो मैंने देखो ये वाला मैंने डाउनलोड किया था, मैंने अर्जेंट ये वाला ऐप डाउनलोड किया था अर्जेंट, ओके। तो आप भी देख सकते हो, आप इसको देखो, बट इसके साथ कुछ फंड वंड मत डालना, नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आता और अगर फंड डालोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपको समझ में आता है तो ही करना, बट बहुत ईजी है एक्चुअली ये, इसमें आपका एक आईडी भी क्रिएट हो जाता है तो आपको वो एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके नाम पे आईडी डालोगे तो आपका जो भी नाम है जैसे शिव हो गया, शिव अर्जेंट ऐसा, वो एड्रेस पे जाता है सीधा, सुपर वे बहुत अच्छा है। बट अगर आता है आपको तो ही यूज़ करना क्योंकि अभी उसमें बहुत गार्जियन वर्जन ऐड करते हैं। सो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ना इथेरियम पे, मेकर में, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जब मेन स्ट्रीम हो जाएगा तो ये जो चीज़ें हम लोग बैंक कर रहे हैं ना, जो इंटरमीडिएट्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहाँ पे गया ये, राइट, जो सारी चीज़ें ये कर रहा है ना, पेपाल कर रहा है, चेज बैंक कर रहा है, जेपी मॉर्गन कर रहा है, ये सब चीज़ें करने के लिए किसी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीज़ें कोड ही कर लेगा, ये सब चीज़ें इंटरनेट पर अपने आप डिसेंट्रलाइज वे में होंगी कि कोड कर रहा है, तो ये फ्यूचर है। तो आई एम डेफिनेटली वरीड कि बैंक्स का क्या होगा और बैंक्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, फॉर एग्जांपल यू नो आप मूवी रेंटर्स देख लो, कोई आज कोई डीवीडी खरीदने नहीं जाता है ना, तो डीवीडी रेंटल बिजनेस है, सब लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं। टेलीफोन कॉल्स के लिए कौन पैसे पे करता है, सब लोग ऑडियो वीडियो कॉल करते हैं, वो भी फ्री में करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, तो टेलीफोन कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया दूसरा मॉडल। मूवी रेंटल बिजनेसेस तो बंद ही हो गए अभी, आई मीन कोई नहीं करता, सब लोग नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोबेबली आई थिंक बैंक्स शायद ना रहे, मुझे ऐसा लगता है, ओके। और कब आएगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट यस दिस इज द पॉसिबिलिटी, ये डेफिनेटली फ्यूचर है। एटलीस्ट आप क्रिप्टो में हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग आज कर रहे हैं, लेंडिंग, बोरोविंग, इंटरेस्ट, जो भी है, पेमेंट्स, ये सब विदाउट बैंक्स पॉसिबल है
और उसका एग्जाम्पल मे बी छोटा एग्जाम्पल, उतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं बट छोटा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रेलर, एटलीस्ट आप ट्रेलर बोल सकते हो, ये पूरी मूवी नहीं है बट ट्रेलर अपने पास आ गया है कि हाँ भाई ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। ओके सो यस दैट्स एंड दैट्स वेरी एक्साइटिंग गाइस, आई मीन इट इज एक्साइटिंग बिकॉज आप सोचो बैंकिंग कितना बड़ा इंडस्ट्री है, आई मीन पूरा फाइनेंस बैंक के ऊपर है, इतने सारे बैंक्स और सारे के सारे बैंक्स रिच फ्रॉड स्कैम करने के बाद भी आप अगर वो इंडस्ट्री क्रिप्टो में आ रही है और उस क्रिप्टो के आप ऑलरेडी पार्ट हो, उस चीज को आप ऑलरेडी समझते हो, उसके बारे में ऑलरेडी आप रोज सीख रहे हो, जान रहे हो, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लाता है, माइंड ब्लोइंग, सुपर। अगर आप खाली रोज लगे रहो और देखो सोचो समझो इन्वेस्टमेंट करो तो आई मीन नेक्स्ट 5 years कैसा होगा, इमेजिन दैट राइट। एंड ऑफकोर्स रिस्क भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ रिस्क नहीं, ऐसा आज तक कोई इन्वेस्टर नहीं है जो इन्वेस्टर बोले यू नो वॉट मैं आज तक मेरा एक भी रिस्क नहीं गया, आज तक मैंने आज भी लूज नहीं किया है, झूठ बोल रहा है, सब लोग लूज करते हैं। ओके ऐसा यू नो कोई ऐसा सचिन तेंदुलकर कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कभी जीरो पे आउट नहीं हुआ हूँ, बहुत बार जीरो पे आउट हुए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है। तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जिसका लॉस ना हुआ, सब इन्वेस्टर का लॉस होता है, सवाल ये है कि उससे आप कुछ सीखते हो नहीं सीखते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है राइट। सो लेट मी नो इट इफ इट मेक्स सेंस गाइस। और उसके बाद हम लोग टिकटॉक पे आते हैं, आपको पता है टिकटॉक आई मीन टिकटॉक इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और कैसा होगा कि टिकटॉक पे जो पब्लिक है जो टीनेजर्स हैं वो यू नो बिटकॉइन के बारे में समझे, क्रिप्टो के बारे में समझे, ऐसा ही कुछ हुआ है। आपको पता है जैक डॉर्सी जो ट्विटर के सीईओ है, ओके बहुत पैशनेट बंदा है, आई मीन मेरे को ये बंदा इतना सही लगता है ना, मतलब और कोई टेक्नोलॉजी में जो इतना सक्सेसफुल बंदा है वो बिटकॉइन को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं है जितना ट्विटर का जैक डॉर्सी है। ओके ना तो अमेजोन वाला है, ना तो फेसबुक वाला है, फेसबुक तो अपना ही कॉइन लॉन्च कर रहा है लिब्रा, और ना तो गूगल वाला है। ओके बट ट्विटर ये बंदा मतलब पूरे मन से लग गया है, यू नो लाइफ में ना ऐसे आई मीन काफ़ी लोगों को ऐसा मौका मिलना चाहिए बट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को मिलता है, बट एक ऐसा टाइम आता है ना जहाँ पे आप पैसा नहीं आप कुछ चेंज के लिए काम करते हो, एंड आई थिंक ट्विटर के सीईओ है ना उनके लिए वो ऐसा ही टाइम आ गया। आई मीन पैसा तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत है बट एक्चुअली वो बिटकॉइन और क्रिप्टो को अडॉप्ट करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सबके पास बिटकॉइन जाए, सबको बिटकॉइन के बारे में मालूम पड़े, क्रिप्टो के बारे में मालूम पड़े। और सो बेसिकली आपको पता है कि जैक डॉर्सी सीईओ जो है उनका एक कंपनी है जिसका नाम है कैश ऐप, और कैश ऐप आईफोन एप्पल पे टॉप रेटेड ऐप है। ओके टॉप में आती है, टॉप ऐप्स में, क्योंकि यहाँ पे उतने लोग यूजर्स हैं और उतने ये लोग क्रिप्टो बिटकॉइन लोग बाय करते हैं, ऐप पे भी है, गूगल प्ले भी है राइट। सो टिकटॉक पे बेसिकली इन्होंने कैश ऐप का एडवर्टीजमेंट किया है, तो आपको मालूम है टिकटॉक तो बहुत ही फेमस हो रहा है और टिकटॉक पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना जिनके पास जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक्चुअली कैश ऐप का एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हो, आप इसमें से जाओ आपको मालूम पड़ेगा कैश ऐप का। तो ये सब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कैश ऐप का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली तो फिर इनको भी मालूम पड़ रहा है कि बॉस कैश ऐप क्या है। सोचो ये बंदा जो भी है, ये लड़की है या लड़का है जो भी है, लोग आज इन लोग चलो एडवर्टाइज कर रहे हैं कैश ऐप क्या है, कैश ऐप में आप कैसे क्या कर सकते हो, बट ऑफकोर्स इनको भी मालूम पड़ रहा है कि बिटकॉइन क्या है, इनको भी मालूम पड़ रहा है कि क्रिप्टो क्या है, और एक बार इनको मालूम पड़ गया बिटकॉइन तो फिर आई मीन फिर तो ये खुद ही बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो के बारे में राइट। सो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव कैश ऐप ने लिया है, ये कैश ऐप ने बहुत इंटरेस्टिंग मूव लिया है कि टिकटॉक पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, और आपको पता है टिकटॉक कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, कितना तेजी से बढ़ रहा है, तो ये सुपर्ब है, ये सुपर्ब स्टेप लिया है। आई मीन आई एम नॉट श्योर कितने लोग एक्चुअली साइन अप करेंगे और कितने लोग एक्चुअली जानेंगे, बट आई थिंक इट्स अमेजिंग क्योंकि टीनेजर्स को क्रिप्टो बहुत जल्दी समझ में आता है बिटकॉइन। सो यस आई थिंक दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू शेयर कि बेसिकली इन शॉर्ट की फ्यूचर कैसे लग रहा है। इन शॉर्ट बेसिकली आपको बताना चाहता था कि मैं कैसे इंटरनेट इवॉल्व हुआ है और कैसे डीफाई इवॉल्व हो रहा है एवरी डे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेंडिंग बोरोइंग जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कोड पे पॉसिबल है विदाउट बैंक्स, बैंकिंग पॉसिबल है विदाउट बैंक्स विच इज़ माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। कोई आज किसी को बोलोगे विदाउट क्रिप्टो कि आप बैंकिंग कर पाओगे विदाउट बैंक्स तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे लोगों को समझ में नहीं आता था कि पहले कि यू नो आप वहाँ रहोगे
और मैं यहाँ से आप लोगों से बात कर पाऊंगा, आई मीन आप लोग देख पाओगे। ये तो 10 साल पहले किसी को बोलते तो बोलते क्या पागल हो गया, चलो यहाँ से। तो आज वही चीज़ है, लोगों को आप बोलोगे तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली हमने देखा है कि एक्चुअली ये चीज़ें पॉसिबल है, लोग डीफा पे एक्चुअली लेंड कर रहे हैं और ये चीज़ें एक्चुअली काम कर रही हैं। टाइम है तो ये सब चीज़ें ग्रो होने का। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जर्नी है ना, नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी है, उसमें बहुत सारे ग्रीन और बहुत सारे रेड मिलने वाले हैं। सो अभी आज ग्रीन है, कुछ दिनों के बाद रेड हो जाएगा, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है ऑलरेडी। और ये जर्नी में ये सब बहुत होने वाला है, तो इसमें इसके लिए आपको पता चल गया होगा कि अब मैं घबराता नहीं हूँ, रेड होगा, कल को बिटकॉइन 8,000 चला गया या 7,000 भी चला गया तो मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बस टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता, टेक्नोलॉजी का टाइम रहता है और वो अनस्टॉपेबल है। ऑफकोर्स मार्केट अप डाउन जा सकती है, बट जो चेंज आ गया है वो आ गया है, बस इट्स अनस्टॉपेबल। मैंने एक ट्वीट किया था, वो म्यूचुअल फंड से ही पहचान दो, मैं बाद में देखूंगा, मेरे को पहले यहाँ पे देखना है, आपको चैट में देखना है। BTC 250 के कितने सालों में है, 5 सालों में, 10 सालों में? भाई मैंने आपको टिकटॉक पे फॉलो किया, हाँ मैं मैं भूल गया तो टिकटॉक पे मैं हूँ। पता नहीं मेरे को यहाँ पे कैसे सर्च कर सकते हैं या नहीं, आई थिंक लॉग इन करना पड़ता है, करेक्ट? तो यस, बट क्रिप्टो की बात, हाँ मैं लिंक डाला है, शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो आप क्रिप्टो की बात, यस आप फॉलो करो टिकटॉक पे। एक्चुअली मैं रोज़ नहीं बना पाता, एक्चुअली मेरे को रोज़ बनाना चाहिए, क्योंकि एक ही मिनट का वीडियो बनता है, बट वहाँ पे तो आप छोटा मैसेज दे सकते हो टिकटॉक पे, आप बड़ा चीज़ें कुछ बतानी है तो आप नहीं बता पाओगे, मोस्टली कॉमेडी के लिए अच्छा है। भाई मैंने बिल्कुल शिव, रिपल्स ओपन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एक्सप्रिंग प्रोजेक्ट इज बिल्डिंग ब्रिज बिटवीन ईथ एंड XRP बेस्ड XRPL, दैट्स अमेजिंग पीपल, दैट्स अ ग्रेट न्यूज एंड थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। And yeah, I think I heard about this. So let's see how this works out. I mean, this is definitely बहुत सारी good news है. I mean, to be honest, Ripple के लिए, XRP के लिए बहुत सारी good news है, बहुत सारे partnership होते हैं, just that it does not reflect in their price. That is the only concern. But having said that, मैं बता रहा हूँ कि XRP ऐसा coin है जो कभी भी pump हो सकता है. You know, last 2017 में कैसे pump हो गया था, और XRP pump करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको सही टाइम का वेट करना चाहिए अगर पंप हो रहा था। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछोगे तो XRP अगर मेरे पास होगा तो सिर्फ टू स्टैक मोर सैट्स, खाली वेट करने के लिए कि पंप हो और मैं उसको लिक्विडेट कर पाऊँ। बट या आई मीन फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है और कैसे टर्न आउट होता है वो तो समय ही बताएगा, बट यस आई मीन देर इज नो डाउट कि XRP के बहुत सारे होल्डर्स हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी भी है। USDT रखना सही है या यार, USDT आप क्यों रखोगे, USDT तो स्टेबल कॉइन है, राइट? USDT रख के क्या फ़ायदा, आप USDT तो आज के 5 साल बाद भी USDT रहेगा, $1 ही रहेगा वो। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच एक्सपर्टेक, या थैंक यू। पेशेंस इज अ की टू बी रिच, इट विल नॉट बी इन अ डे और मंथ और ईयर, जस्ट होल्ड, या थैंक, एब्सोल्युटली, आई मीन पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूल एस वॉलेट, हार्डवेल वॉलेट, आई मीन यार उनको बताओ, कूल वॉलेट से आपको उनका कॉन्टैक्ट है तो बताओ, उनको स्पॉन्सर करें यार, कुछ स्पॉन्सर करें वीडियो और मैं उनको एक डेमो दे दूँ आप लोगों को कैसे चलता है। फॉर बैंक्स द XRP इज अ बिग थ्रेट कंपेयर टू अदर क्रिप्टो, सर प्लीज एडवाइज वे टू सेल बिटकॉइन चीपली विद मिनिमम फी, ब्लॉकचेन कॉइन बेस हैव हाई बाइंग फीस। यार फीस, आई डोंट नो कि फीस इतना आपको मैटर करता है, अगर आपका प्राइस अच्छा मिल रहा है, अगर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कि फीस इतना बड़ा फैक्टर बन सकता है, टू बी ऑनेस्ट। सो 2020 में BTC दोनों साथ साथ बढ़ेगा, बिल्कुल आई थिंक सो चंद्रिका, आई मीन बिटकॉइन एंड ईथर, यस आई मीन वेरी ट्रू, आई मीन दोनों टॉप के कॉइन्स हैं और दोनों का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है इस साल। व्हाट इज अ कॉइन बेस, कॉइन बेस US एक्सचेंज है। व्हाट इज अ नेम, तनु, या आई सॉ दैट पीपल, आई सॉ द इंटरव्यू।
सर डीफाई जिसमें इथेरियम इन्वेस्ट करके, सो आई मीन मैं इतना ही बोलूंगा कि डीफाई के बहुत सारे टोकन्स हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स के टोकन्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स के टोकन्स नहीं हैं. सो कुछ जो प्रोटोकॉल हैं, फॉर एग्जांपल सिंथेटिक का टोकन्स है, इंसाइड ऐप का टोकन नहीं है, सिंथेटिक का टोकन है तो आप सिंथेटिक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसका टोकन है. आई थिंक बैंकॉर है तो बैंकॉर को भी टोकन आप बाय कर सकते हो कुछ, अगर आपको अगेन आपको अगर समझ में आ रहा है क्या है तो मेरे कहने पे नहीं. काइबर नेटवर्क का है तो काइबर नेटवर्क का भी कॉइन ले सकते हो आप. धर्मा का नहीं है. यस, सो दीज आर द कॉइन्स दैट यू कैन बाय प्रॉब्ली इन इन डीफाई, बट अगेन इट्स टू अर्ली, इट विल टेक टाइम गाइस, इट विल टेक टाइम. एनीवे आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया. थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए मेरे साथ, मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, चैट करके, एंड आप लोगों का ये जो इनपुट्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक दबा दो. लेट्स सी कितने लाइक्स हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं कितने लाइक्स हैं. लेट्स सी 100 लाइक्स तो अभी हो जाने चाहिए यार. आप लोग 108 लोग देख रहे हैं यहाँ पे, 300 लाइक्स जा ही नहीं रहा है मेरा वीडियो पे. वोडाफोन बिटकॉइन लॉन्च करने वाली है क्रिप्टो. वोडाफोन क्या बात कर रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं सुना यार. टेक एंड बिजनेस वोडाफोन बिटकॉइन लॉन्च, बिटकॉइन क्या लॉन्च करेगी, मतलब अपना टोकन लॉन्च करेगी या फिर बिटकॉइन एक्सचेंज लॉन्च करेगी. अपनी फेसबुक वीडियो वायरल हो रही है या टेक एंड बिजनेस संभल के रहना. ऐसे बहुत सारी वीडियोज हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पे चल रही हैं और पता चल रहा है वो फेसबुक और वोडाफोन के नाम पे कोई चला रहा है और चला कोई और रहा है और उसमें बहुत सारे स्कैम्स हैं. तो प्लीज़ बच के रहो. कोई भी न्यूज़ आपको मिलती है तो वेरीफाई करो, स्पेशली जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है. ऐसे ही इन्वेस्टमेंट मत कर दो. अब बहुत सारी वीडियो बनाया है मैंने, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है. डीफाई सर्च करोगे चैनल पे तो आपको एक दो तीन वीडियो मिलेगी. बट येस, मैं यू नो हर एक वीडियो में थोड़ा मोड़ा कवर करते रहता हूँ. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू गाइस टुमारो. प्लीज़ टेक केयर, एन्जॉय योर संडे एंड गुड नाइट. बाय बाय.